नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने अतरौली नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी पवन वर्मा का समर्थन किया। उनके साथ एटा के सांसद राजवीर सिंह राजू, प्रदेश के बेसिका शिक्षक मंत्री संदीप सिंह सहित विधायक पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। वहां केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा कि बाबूजी जिस भी दिव्य लोक में विराजमान होंगे, मैं ये मानता हूँ कि वो उस दिव्य लोक के अधिकारी हैं। इसलिए वो जहाँ पर भी होंगे, वहाँ से भी हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। और उनके जीवन काल में आपने यहाँ पर कमल खिलाया था, पवन शर्मा को जिताया था, और उनके जाने के बाद हमारी आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम भारी कमल खिलाकर बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। रही बात विकास की, तो पवन वर्मा नगर पालिका के अध्यक्ष और उनकी यहाँ सरकार बननी चाहिए, यहाँ पर पार्षद भी जीतने चाहिए। आगे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं होती, तो हमारी सरकार जो बड़े बड़े फैसले लेने का काम कर रही है, ये फैसले नहीं ले पाते, प्रदेश का भला नहीं कर पाते, प्रदेश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाते, अपराधियों, माफियाओं और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते। लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद की ताकत है, डबल इंजन के सरकार यहाँ काम कर रही है। इस बार बीजेपी के प्रत्याशी पवन वर्मा और जो पार्षद पद के लिए हमारे प्रत्याशी हैं, उन सभी साथियों को आप सब अपना आशीर्वाद दें। उन्हें मुझे अपील करने का अवसर मिला है, मैं इसे अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। फर्जी वोटर के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो फर्जी गिरी करेगा वो पकड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि आयोग और पुलिस प्रशासन सतर्क है, जो गलत करते हैं वो पकड़े जाते हैं। बड़े शहरों में ये सच है कि मतदान का प्रतिशत कम रहा है, लेकिन वहाँ नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोग रहते हैं, वो शहरों से बाहर रहते हैं और वोट डालने वाले दिन उनको आना चाहिए, वो नहीं आ पाते हैं। इस वजह से भी वोट परसेंटेज कम रहता है, लेकिन इसके बाद भी जहां 4 मई को चुनाव हुए वहां लगभग 99% इन स्थानों पर बीजेपी कमल खिलाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।